गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ सैयद ताहा कादरी फ्रॉम गेम टॉक्स। और आज फिर बात करेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड और कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल बात जो चर्चा में है इस वक्त। प्रेसिडेंट अभी उत्तर प्रदेश में एक जगह गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल है और वो लगभग 2.75 लाख रुपए टैक्स देते हैं। तो इस बात को समझना होगा, थोड़ी सी गहराई है इस बात में कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया जो होता है, क्या वो सैलरी जो उनको मिलती है क्या वो टैक्सेबल होती है या नहीं होती है, यानी क्या वो टैक्स स्लैब में आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो गया। इस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा वो एक्ट है, कौन सा कानून है भारत का जिसके तहत प्रेसिडेंट की सैलरी तय की जाती है और प्रेसिडेंट को सैलरी दी जाती है। इस पर भी बात करेंगे कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, 2017 में अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट में जिससे प्रेसिडेंट को सैलरी दी जाती है, तो क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंज आया है, क्या सैलरी इंक्रीमेंट हुई है या किसी फिक्स स्लैब में रख दिया गया है, किसी फिक्स टैक्स स्लैब में रख दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी फिक्स स्लैब में रखा गया हो। हुआ ज़रूर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जहाँ से सैलरी मिलती है, हम और आप उसे जनरल कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी एक फ़ंड बना हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स वगैरह काउंट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, टॉप पोजीशंस भारत की। टॉप मतलब कि बिल्कुल प्राइम लोग, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, इन लोगों को जो सैलरी दी जाती है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। अब जो बात प्रेसिडेंट ने कही उस बात में कितनी सच्चाई थी, यानी वो कितनी सही बात थी। उन्होंने कहा कि उनको टैक्स, वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं तो गलत तो कह नहीं रहे होंगे। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले या ये सब जो अपने से एक एजप्शन कर लेते हैं कि अरे भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो टैक्स क्यों देंगे, या तो वो कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ठीक से स्टडी करनी चाहिए कि भाई कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो आपको थोड़ा प्रोसेस समझाएंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है। एक अलग से एक्ट है जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट्स पेंशन एक्ट 1951। अब इस एक्ट के तहत होता क्या है, इस एक्ट के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी तय होती है और उसमें अमेंडमेंट्स भी किए जा सकते हैं, इसका तो प्रोविज़न है ही है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। साथ ही साथ ये भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, बताया जाता है एक्ट में कि प्रेसिडेंट की पोजीशन फाइव इयर्स का टर्म होता है और 5 इयर्स के बाद अगर प्रेसिडेंट नहीं रहे तो उसके बाद उन्हें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ से लेस किया जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, कैसे कैसे वो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के जो स्पाउस होते हैं, यानी अगर लेडी प्रेसिडेंट है तो उसका हस्बैंड और अगर जेंट्स प्रेसिडेंट है तो उनकी वाइफ, उनको किस तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो आपको बता दें कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में सबसे पहले एक अमेंडमेंट किया गया, वो अमेंडमेंट यानी एक चीज़ नई जोड़ी गई, आप अमेंडमेंट को इस तरह से समझ सकते हो कि एक नई चीज़ जोड़ी गई, थोड़ा चेंज लाया गया। चेंज लाया गया कि जो सैलरी 1.5 लाख रुपये हुआ करती थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसको कर दिया गया 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये उस सैलरी को बढ़ा दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 लाख रुपए जो सैलरी बढ़ाई गई, ये एक अमेंडमेंट था इसी एक्ट में जिसको मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट्स पेंशन एक्ट 1951। और यही कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इस एक्ट के अंडर में एक बॉडी है, एक फंड बॉडी है, एक फंड एजेंसी है जिसके तहत प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को सैलरी दी जाती है। अब उसके आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस को समझते हैं। अब थोड़ा समझिएगा कि अगर 5 लाख रुपए आप सैलरी मान के चल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ईयरली आप उसे क्या मान लोगे,
सीधे सीधे कैलकुलेट करो तो 60 लाख रुपए आएगा। अब 60 लाख रुपए अगर सैलरी आ रही है टोटल, जो कि टैक्सेशन का सिस्टम ईयरली होता है, द टैक्सेशन सिस्टम इज़ काउंटेड ईयरली, तो ईयरली बात करें तो 60 लाख रुपए अगर आ रहा है और 5 लाख रुपए बात हो रही है प्रेसिडेंट की सैलरी की, तो उसको कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे 18 लाख कुछ हज़ार रुपए आएगा। यानी अगर हम टोटल ईयर की बात करें, द होल ईयर की बात करें, तो सीधे सीधे जो निकल के आएगा वो आएगा 18.44 लाख पर एनम। पर एनम मतलब होता है पर ईयर, यानी 5 लाख हिसाब से 5 × 12 करिएगा तो आपका आएगा 60 लाख रुपए। और अगर आप उस पर टैक्स निकालेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिडक्शन, अब ये डिडक्शन क्या होता है इसको समझिए, डिडक्शन ये होता है कि टैक्स लॉ जो बना हुआ है, जो टैक्सेशन सिस्टम है भारत का, उसमें बहुत तरह के आपको छूट प्रदान की जाती है, बहुत तरह की छूट है। छूट कैसी कैसी है, जैसे सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, टैक्सेशन का सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, कम से कम ये 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन सी, सेक्शन ई और सेक्शन डी, जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी जैसे इंश्योरेंस की तरह आपने लाइफ इंश्योरेंस या आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर पैसा, तो वो टैक्स में काउंट नहीं होता, उतनी आपको छूट प्रदान कर दी जाती है, उतना फ्री कर दिया जाता है उतने रुपीस से। तो ये भी एक रास्ता है टैक्स से छुटकारा पाने का। और बड़े बड़े एक्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज भी यही करती हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज़ ख़रीद लेती हैं और अपने आप को, जो जिनके पास बड़े अमाउंट आ रहे होते हैं सैलरी की तरह, बिजनेस की तरह बड़े अमाउंट जिनके पास आ रहा है, वो टैक्स से बचने के लिए ये काम करते हैं। अब समझिएगा बात को कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी अगर 60 लाख रुपये हुई, जाहिर सी बात है 60 लाख हुई, तो वो कितना देंगे साल भर का टैक्स, 18.44 लाख, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी एक नया अमेंडमेंट हुआ है टैक्स कंप्यूटेशन में करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पर थोड़ा सा टैक्स में चेंज आ जाएगा, जो 18.44 लाख है वो बदल जाएगा 17.60 लाख में। तो आप इसको अंदाज़ इसका लगा सकते हो और अंदाज़ कर सकते हो इससे कि कुछ ज़्यादा फ़र्क आने वाला नहीं है, अगर आप नए अमेंडमेंट के हिसाब से चलो या पुराने अमेंडमेंट के हिसाब से, तब भी सेम चीज़ है। अब ये कहना प्रेसिडेंट के द्वारा कि भाई हमारी सैलरी टैक्सेबल है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, मगर उन्होंने जो कहा कि भाई मैं 2.75 तक देता हूँ, यानी 2-2.5 लाख रुपये से ज़्यादा मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो ये बात थोड़ी सी जो है आपको समझनी होगी उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि अगर आप मंथली निकालोगे उनकी जो सैलरी है उस हिसाब से टैक्स निकालोगे, तो वो टैक्स उनका आएगा 1.5 समथिंग, यानी 1.5 लाख के आसपास आ जाएगी उनकी टैक्स जो वो मंथली पे करते होंगे। अब 1.5 लाख रुपए अगर वो मंथली टैक्स पे कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों कहा कि वो 2.5 लाख के आसपास पे कर रहे हैं, उसके एक पॉलिटिकल आप नज़रिया भी हो सकता है, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई कोविड का जाहिर सी बात है ज़माना चल रहा है, कोविड ही कोविड है हर तरफ, तो अब इसमें होता क्या है कि प्राइवेट गवर्नमेंट हर किसी की जो है सैलरीज़ में से कुछ ना कुछ कटिंग हो ही रही है। तो आपने सुना है, सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि 30% तक सैलरी जो है वो कट हो रही है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट और आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह की भी 30% सैलरी तो जा ही रही होगी। तो हो सकता है जब वो स्पीच दे रहे हों तो उस चीज़ को एज्यूम करके, उस चीज़ का एक्सेप्शन करके, क्योंकि उनके दिमाग में वो बात रही होगी, हो सकता है उस चीज़ को एज्यूम करके उन्होंने ये कह दिया हो कि हमारी टैक्स जो है वो 2.75 के आसपास है मंथली। तो ये कि अपने आप में ये एक प्रश्न है और हमेशा ये प्रश्न बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्यों कहा वो वही बेहतर जानते होंगे, हम इस पर कोई अपने तरफ से कमेंट नहीं करेंगे। जानकारी के लिए स्टूडेंट की तरह, एजुकेशनिस्ट की तरह, एकेडमिशियन की तरह, या
एक प्रतियोगी छात्र की तरह हमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट की सैलरी टैक्सेबल होती है या नहीं होती है, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, कंप्यूट करके समझा दिया कि बिना डिडक्शन के भी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी डिडक्शन अगर अपनी सैलरी पे टैक्स पे कर रहे हैं तो कम से कम मंथली वो 1.5 लाख रुपये से ऊपर ही पे कर रहे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इससे कि बिल्कुल सही बात है कि उनकी सैलरी भी टैक्सेबल होती है, और बिल्कुल ये उचित बात थी जो उन्होंने अपनी स्पीच में कही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए केएम टॉक्स के साथ, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को प्रमोट करते रहिए।